स्वागत, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में। तो आज हम आए हुए बाल भारती इंटरनल स्कूल। यहाँ पर आज इंटरनल जो एग्जाम्स हुए थे अभी थोड़े दिन पहले, उनका आज रिजल्ट घोषित होने वाला है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की यहाँ तैयारियां की गई है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत शानदार यहाँ पे तैयारियां की गई है। बच्चों के लिए यहाँ फोटोग्राफ की झांकियां भी लगाई गई है और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो भी रैंक आएगी आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो बने रहिए डिफेंस ब्लॉक प्रवीण के साथ में। और बोर्ड के रिजल्ट भी बहुत नजदीक है, तो क्या बाल भारती टॉप कर पाएगी ये भी हम जानेंगे। और हम देखेंगे कि आज कितने बच्चे यहाँ पे टॉप करते हैं और कितने बच्चे यहाँ से आज उत्तीर्ण होके जाते हैं और बाल भारती और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद, बने रहिए डिफेंस ब्लॉक प्रवीण के साथ। शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमीदानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी दीवान पटेल के लिए होते हैं। वो बच्चे, उन्हें जिज्ञासा होती है कि
कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, मेरे को 5 घंटे पढ़ना है, मेरे को अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, वही बच्चे आगे आ पाते हैं। तो मैं पिघला दे।
शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। मेहनत का परिणाम है बच्चों का, पेरेंट्स का, स्टाफ का, तो हमारे लिए ये दिन खास है। परीक्षा परिणाम बच्चों का 100% रहा है, अच्छा रहा है, 90+ भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो सभी बधाई के पात्र हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बच्चों का 100% रिजल्ट रहा है, तो मैम बोर्ड के रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा नजदीक हैं, 1 महीना ही बचा है, तो उस परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे स्कूल का परीक्षा परिणाम बोर्ड का हमेशा अव्वल रहा है, इस बार भी अव्वल ही रहेगा, यही आशा है कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करें। होनहार बच्चे थे, हमें आशा है कि उसके आशा के अकॉर्डिंग उनका परीक्षा परिणाम भी आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट्स भी बहुत शानदार रहेगा, तो मैम यहाँ आज कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90 क्रॉस किए, समथिंग कितने? हर क्लास में 20% बच्चे ऐसे हैं जो 90+ है। छोटी क्लास में हाँ 3 टेस्ट होते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, तो इसका परीक्षा परिणाम छोटी क्लास में बहुत शानदार रहता है। होम क्लासेस का परीक्षा परिणाम लमसम बेस्ट रहता है, 90+ बहुत सारे बच्चे होते हैं। बोर्ड क्लासेस का परीक्षा परिणाम भी हमारे स्कूल का अव्वल रहा है, लेकिन उसकी वजह होम क्लासेस के बच्चे हैं, उनका परीक्षा परिणाम वाकई में ही बहुत ही शानदार रहा है। तो मैम अब रिजल्ट्स भी खत्म हो चुके हैं, कक्षाएं भी खत्म हो चुकी है, 1 महीना बचा है, बच्चों ने खूब पढ़ाई भी करी है, तो अब एंटरटेनमेंट का माहौल बन रहा है, तो अब 1 महीने क्या स्कूल में कुछ गतिविधियां होंगी जिनमें बच्चे भाग ले सके? बिल्कुल होगी, स्पोकन होगा, डांस क्लासेस होगी, अलग खेल एक्टिविटी भी होगी, इसके अलावा बच्चों का बेसिक भी तैयार करवाया जाएगा, तो ये हमने रूपे का बना रखी है 1 महीने। तो कितने परसेंट आए? 97 बच्चे कह रहे 97% से आज उत्तीर्ण हुई है, आपकी योगदान है टीचर्स का और माता पिता का। जैसा कि आप देख सकते हैं नन्ही बच्ची बहुत शानदार जवाब दे रही है, टीचर्स का और माता पिता का योगदान होता है, तो ये बताइए कि आज आपने टॉप किया है, किस कक्षा में अभी आप? सेकंड कक्षा में। तो सेकंड कक्षा के बच्चे ने आज टॉप किया है, आशा करते हैं थर्ड कक्षा में भी बहुत शानदार ये रिजल्ट लाएगी। आपके पिताजी का क्या नाम है? कुलदीप प्रजापत जी। नमस्कार साथियों, अब हम बाल भारती इंटरनल के निदेशक सर श्रीमान नोपाराम जी मंडा जी सर से हम मिलने वाले हैं, और थोड़ी बहुत आज समरी जानेंगे इनसे, कैसा रिजल्ट रहा, अब आगे क्या होने वाला है, और कुछ बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम थोड़े जानेंगे। तो सर आपका स्वागत है चैनल पे, तो ये बताइए कि आज कैसा लग रहा है, आज आपके सारे बच्चे बच्चियां उत्तीर्ण हुए हैं बहुत शानदार रिजल्ट से। सर्वप्रथम में समस्त स्टाफ को, गुरुजनों को और अभिभावकों को परीक्षा परिणाम का धन्यवाद देना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि अकेली संस्था कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं रख सकती। अध्यापक,
कक्षा टीचर, पढ़ाने वाला टीचर और अभिभावक तीनों जब कड़ी मिलते हैं, सब प्रयास करते हैं सामूहिक रूप से, तो निश्चित रूप से बहुत शानदार सफलता मिलती है। हम अकेले प्रयास करते हैं तो जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, उसे थोड़ा डाउन होता है, लेकिन प्रयास हर प्रकार से करता है, किया जाता है। कई बार कुछ घरों में माँ बाप अनपढ़ होते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो उन बच्चों की जिज्ञासा अलग प्रकार की होती है। ऐसे 5-7% बच्चे होते हैं वो टॉप करते हैं स्कूल की मेहनत की बदौलत और अपनी खुद। तो निश्चित रूप से आप जो चाहते हो वह रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। और मेरा यही प्रयास रहता है कि सबसे पहले बच्चा अनुशासन में रहे। यदि बच्चा अनुशासित है, अपने माता पिता का कहना मानता है, रिजल्ट्स आज आ चुके हैं आज आपकी स्कूल में इंटरनल एग्जाम्स के, तो अब बोर्ड के जो एग्जाम्स के जो एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट भी अब 1 महीने ही दूर है, तो कैसा लग रहा है अब वो भी रिजल्ट आने वाले हैं और क्या रहेगा रिजल्ट? रिजल्ट कोई दूर नहीं है, मई के 2nd वीक में रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले सीनियर साइंस का रिजल्ट आएगा और सीनियर साइंस का जो रिजल्ट आएगा, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे टॉप हो, पूरे राजस्थान में टॉप हो, राजस्थान में नहीं हो तो जिला को टॉप करें, प्रयास यही रहता है। अच्छी फैकल्टी जब कॉलेज उसको मिलती है तो बच्चों के पैकेज होते हैं करोड़ों में, कभी जहां से शुरुआत होती 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 45 लाख, ऐसे बच्चों के पैकेज होते हैं, तो बराबर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि उस पैकेज को आप भी प्राप्त करें। तो सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब बोर्ड रिजल्ट्स बहुत नजदीक हैं, सर ने बताया है कि रिजल्ट बहुत शानदार रहेंगे, तो सर मैं भी एक अपना एक जो मेरे मन में सवाल है वो भी पूछना चाहूंगा अंतिम क्वेश्चन कि सर जब बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं तो कुछ बच्चे तो होते हैं जो 90 क्रॉस कर जाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आजकल ये घटना घटित हो रही है, मैं भी अखबारों में दिन रात देखता हूं कि कुछ बच्चे डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कुछ डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं और इन्हें इससे दूर कैसे रहना चाहिए, क्योंकि अब रिजल्ट आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को बहुत टेंशन हो रही है, तो इससे दूर कैसे रहें बच्चे? इससे दूर रहने का कारण है जब भी रिजल्ट आता है बार बार हर परीक्षा का परिणाम अपने माता पिता को बताएं, परिवार के साथ चर्चा करें, अपने माता पिता के साथ चर्चा करें पहले। जब भी रिजल्ट आता है, छोटा रिजल्ट हो चाहे बड़ा रिजल्ट हो, साथ में जब बच्चा बैठता है और पढ़ाई की चर्चा करता है, अपने प्रतिशत के बारे में चर्चा करता है, तो हम बच्चे को ये बताएं कि बेटा कोई बात नहीं है, आप चाहते हो ऐसा रिजल्ट नहीं आता तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि 99 वाला बच्चा पढ़े सफल होने कोई जरूरी नहीं है, वह भी फेल हो सकता है, लेकिन आपको हौसला बुलंद रखना है, आत्मविश्वास मजबूत रखना है, ताकि आप कम नंबर ला करके भी आगे बढ़ सकते हो। कई बार बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जिसमें 50% या 60% वाला बच्चा भी डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, IAS IPS बन सकता है, लेकिन उस बच्चे का जुनून होना चाहिए, इसलिए उन बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, इस प्रकार उन बच्चों को माहौल दिया जाना चाहिए ताकि उनके नंबर कम आते हैं तो वो उससे विचलित न हो, ये माता पिता को भी बताना चाहिए और संस्थाओं में भी बार बार उन बच्चों को इस प्रकार का मोटिवेशन दिया जाना चाहिए। आपने आशा लगाई थी 98% आने की, लेकिन आपके 90% आ गए तो घबराना नहीं चाहिए। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनके लिए तुरंत उन बच्चों से बातचीत करके उनको मोटिवेट करना चाहिए। कोई बात नहीं, आज कम आए तो कल आप और अच्छे नंबर लेके आओगे, इसके लिए आपको पुनः प्रयास करना है। ऐसा यदि हम प्रयास करेंगे मिलजुल के सब, तो निश्चित रूप से बच्चा कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। धन्यवाद, बने रहिए डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ में, और हमने पिछले साल एक इस स्कूल की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, तो एक बार इस बाल भारती इंटरनल स्कूल को पूरा विजिट करें और अगर कोई डाउट हो तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।